भाभी का बात बा कहे रो तड़ो यहाँ बंटवारा होता स्वाति हमनी के अलग कर तड़ पता ना कि हम कहाँ जाए हमनी के बेसारा हो गई बारी स्वाति माटी के बनल बानी जी रहुआ भैया लोग कवन फर्ज निभावत आड़न हमने के जी के पैसा खत्म हो गए यही से साचो रहुआ इंसान ना देवता बानी बहुत अभागा बाजी होलो जे अपन देवता जैसे भाई के बात बा बड़का भैया लोग बंटवारा के बात करता है कहाँ अरे हमार प्यारी पत्नी कोनो भी समस्या के समाधान रोला से ना नमस्कार का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा इमोशन से भरी फिल्म है जो आप देखेंगे तो फ्रेंड आपको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों की अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है और इस फिल्म में, जी हाँ, आपको
हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है। और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है। बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई। कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है। जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म के अभिनेत्री गौरव सॉरी काजल राघवानी और रिंकू घोष थी, और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो जिसमें रिंकू घोष, रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है
वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूँ कि जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा, इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दो कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर, हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ, वो है काजल रगवानी। काजल रगवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल रगवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोग ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है, जी हाँ। तो बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में, जी हाँ, आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे, इस फिल्म को बनाने में टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है, तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है, जी हाँ,
ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दूँ। जिसमें मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। नमस्कार, का हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ, उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड, आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा, इमोशन से भरी फिल्म है, जो आप देखेंगे तो फ्रेंड आपको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, काजल रगवानी, रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी, जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं हाँ ननद में। जी हाँ, आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ, इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर, जी हाँ, गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म के अभिनेत्री गौरव सॉरी काजल रगवानी और रिंकू घोष थी, और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त, जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है। रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है, उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड, संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है। जी हाँ, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है
तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू कर देखेंगे तो फ्रेंड आपको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दो कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर, जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष और दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी जिस फिल्म के अभिनेत्री काजल राघवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार। मैं इस फिल्म में दिखाया गया है कि 3 भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी और उनकी 3 भौजाइयाँ भी होती है, बता दो जिसमें रिंकू घोष, और बेटा जो है देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे झा के घर पे, गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के
की ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी, जी हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और इस फिल्म में, जी हाँ, आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ, वो है काजल राघवानी। और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही, एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में, जी हाँ, आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर, जी हाँ, गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष और जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद। ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म के अभिनेत्री काजल राघवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही। और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो। जिसमें उनके एक तरह से कहे तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड, संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल राघवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो 15-20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है, सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है, यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया, वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे।
तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ, वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोग कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है, जी हाँ। तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टारकास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की, अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म की अभिनेत्री काजल राघवानी और रिंकू घोष थी, और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो। जिसमें रिंकू घोष, और संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल राघवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े, पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है, सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है, यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया, वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है
भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ लोगों ने पसंद किया उस फिल्म को भी, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही खास फिल्म है। और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं, मेरे प्यारे दोस्तों की ये जो फिल्म है जिसका नाम है जी हाँ ननद, ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म के अभिनेत्री गौरव सॉरी काज ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है जी हाँ उनके, एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है ते हैं, जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपया फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म जी हाँ एक ऐसी फिल्म है सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी, जी हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही खास फिल्म है। और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है
तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो संजय पांडे जी से लेकर, जी हाँ, गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म की अभिनेत्री काजल रगवानी और रिंकू घोष थी, और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही। और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है। रिंकू घोष और भी है उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले लिए। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवानी की शादी तय होना, पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है, यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया, वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही भोजपुरी में बनाई गई है, और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को, फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद, ननद में, जी हाँ, आपको
भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ, इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्त बता दूं कि जो फिल्म है ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म के अभिनेत्री काजल रखवाली और रिंकू घोषी थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही। और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड, आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूँ कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त, ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड, आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा, इमोशन से भरी फिल्म है, जो आप देख, स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्त बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी
पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई। कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और कि एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं, जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपए वो पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है काजल, अभी तो पैसा नहीं है, सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियां होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यार आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों की को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ, वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोगों की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है, बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमाघर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पर प्रीमियम किया जा रहा है, जी हाँ। तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई। कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत
ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो जिसमें रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है, उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड, संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उस फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे, और अभिनेत्री जी हाँ वो है काजल राघवानी, और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जो थी एक तरह से कही तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टारकास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यार मेहनत की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी देवसी उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है, उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा।
उनके जो दो बड़े भैया हमेशा ताना मारती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। जिसमें रिंकू घोष, रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफी ज्यादा खुशियां होती है जी हाँ। उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा ती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती, पैसा नहीं है, सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझ हाँ वो है काजल रगवानी। काजल रगवानी और रिंकू घोष दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल रगवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है, कर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी काजल रगवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है।
इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे जी और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो। जिसमें रिंकू घोष, रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को वो पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पे गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप, जी हाँ, वो है काजल राघवानी, काजल राघवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद लेकर, जी हाँ, गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टार कास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्त बता दूं कि जो फिल्म है भोजपुरी की, इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद है, कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए, के नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि
जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े, लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। नमस्कार, का हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड, आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा, इमोशन से भरी, जो भोजपुरी में बनाई गई है, और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड, अगर आप इस फिल्म को है और इस फिल्म में, जी हाँ, आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री, जी हाँ, वो है काजल रागवानी। काजल रागवानी और रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल रागवानी, रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी, जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही। में ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है, जी हाँ। तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में, जी हाँ, आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र, पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त, बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त, जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। दोस्तों, ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे, जिया होती है, जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं, जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि
जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में अच्छा लगने वाली है दोस्त। ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की ये और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर और प्रकाश जी से लेकर दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है, तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं गौरव झा संजय पांडे जी और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो जिसमें रिंकू घोष, जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा है। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें।
दोस्तों अजय कुमार झा के पूरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और इस फिल्म में जी हाँ आपको तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है। और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टारकास्ट नज़र आने वाले हैं। ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी, जिस फिल्म की अभिनेत्री काजल रगवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है। बता दूँ उनकी एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता या होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवानी की शादी तय होती है गौरव। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और सोच समझ कर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं
जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, फिर ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी, जो इन्हीं लोगों की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है। और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो माँ घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पर प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू घोष और फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है। जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत डे जी और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो। जिसमें रिंकू घोष और के जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोट प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पर। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी बीच होता नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के दोस्त बता दो कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है
और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री जी हाँ वो है का। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यार दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ ननद, ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल रगवानी, रिंकू, तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है। बता दूँ एक तरह से कहे तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को वो पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियाँ हमेशा ताना मारती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूं उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा इमोशन से भरी फिल्म है, जो फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री जी हाँ वो है काजल रगवानी। फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है
और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी चल रही है बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है जी हाँ ननद, ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ तो टाइम तो लगा है जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट। इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है। बता दो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है जी हाँ उनके, एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनकी भौजाइया होती है, उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को वो पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियाँ हमेशा ताना मारती रहती है जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है। 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं। उसी इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनकी जो भाभियाँ होती है यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री जी हाँ
वो है काजल राघवानी। काजल राघवानी और रिंकू एक बहुत ही खास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है बहुत ही से लेकर। जी हाँ, गौरव झा, आदित्य ओझा, सॉरी गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी जिस फिल्म की अभिनेत्री काजल राघवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है बता दो। जिसमें रिंकू घोष एक तरह से कहे तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहे तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं, उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है। जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल राघवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड, आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद जो एक पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त, ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही खास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। अभी से भी टेलीविज़न को टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पर प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में, जी हाँ, आपको
भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूँ इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर जी हाँ गौरव झा की इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई। कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी नमस्कार का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद पूरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री जी हाँ वो है काजल राघवानी, काजल राघवानी और रिंकू घोष दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी जी हाँ। आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है, बहुत ही ऐसी फिल्म और प्रकाश जी से लेकर कई सारे स्टारकास्ट नज़र आने वाले हैं। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई। कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी एक साथ लाई थी जिस फिल्म के अभिनेत्री काजल राघवानी और रिंकू घोष थी और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म
जिसमें रिंकू घोष, रिंकू घोष और फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा। यानी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो पैसा आया है 15 लाख रुपया वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दो कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की ये जो फिल्म है, आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा देखने को मिलेंगे और अभिनेत्री जी हाँ वो है काजल राघवानी, काजल राघवानी और रिंकू घोष दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में दिखने को मिलेंगी। काजल राघवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट, भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में नहीं चलाया जा रहा है, बहुत कम फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है। बहुत ही ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है। जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपर हिट फिल्म रिंकू घोष और फ्रेंड
परिवार में काफी ज्यादा खुशियां होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। ये होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है। इसलिए उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई, नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा इमोशन से भरी फिल्म है, जो आप, नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ऑडियंस इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगी। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद होने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, और इस फिल्म में जी हाँ आपको हीरो गौरव झा दे, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही खास फिल्म है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी है वो बहुत ही एक तरह से कहीं तो अपनी फिल्मों के चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, और सॉरी काजल रखवाली और रिंकू घोषी थी, और उस फिल्म के भी हीरो थे गौरव झा ही, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे रिंकू घोष और फ्रेंड
परिवार में काफी ज्यादा खुशियां होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आया है 15 लाख रुपया, वो उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी जो इन्हीं लोग की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है, ऐसी फिल्म है जो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिनेमा घर में चल रही है, बाकी सभी टेलीविज़न को चल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब पर प्रीमियम किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूं इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है, तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है। जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने उस फिल्म को ज़बरदस्त प्यार दिया। तो चलिए दोस्त जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है ननद, ननद की स्टोरी कैसी है, इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है, भौजाइया भी होती है बता दो, जिसमें रिंकू घोष और अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है, और वहीं से बता दूं कि शादी तय होती है, काजल रगवानी की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई
15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है। सभी तीनों भाई लोग सोच रहे होते हैं, वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर कुछ पैसा जमा किए होते हैं जो ब्याज जोड़कर लगभग 15 से 16 लाख रुपया निकल के आता है। और वहीं से बता दूं कि जो उनकी भौजाइया होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपये फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को वो पैसा दे देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है, इसलिए वो पैसा वो लोग 15 से 20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसे जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो फिल्म है भोजपुरी की, ये भोजपुरी की एक बहुत ही अच्छी जो इन्हीं लोगों की फिल्म थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जी हाँ, और वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह ये जो फिल्म है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भोजपुरी के लिए एक बहुत ही ख़ास फिल्म है और ऐसी फिल्में भोजपुरी में अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं जो जी हाँ, तो बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है जी हाँ ननद, ननद में जी हाँ आपको भोजपुरी के कई सारे स्टार कास्ट नज़र आएंगे। जैसे बता दूं इस फिल्म में रिंकू घोष जी और संजय पांडे जी से लेकर लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस है जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फिल्म है वो कैसी है, इसकी स्टोरी कहानी कैसी है। तो चलिए बिना लेट किए भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है जी हाँ ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन फ्रेंड परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती है। जी हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, उनके नाम पर लोग दे देते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है। जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा किसी तरह ले ले। उसी बीच उनकी बहन की शादी तय होती है, काजल रगवाने की शादी तय होती है गौरव झा के घर पे। गौरव झा के जो
पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है और उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15-20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा आया है 15 लाख रुपया, उनसे ही शादी होगा, छोटे भाई से मांगो। नमस्कार, का हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है ननद। तो फ्रेंड आज मैं ननद फिल्म का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अजय कुमार झा के निर्देशित फिल्म ननद, जो एक बहुत ही झकास फैमिली ड्रामा इमोशन भोजपुरी की, ये जो फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाली है। दोस्त ननद भोजपुरी फिल्म, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी में बनाई गई है और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़ास है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अजय कुमार झा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी इतना ना दमदार है कि फ्रेंड अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फ्रेंड इसमें कहीं कहीं रिंकू घोष, दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। काजल रगवानी रिंकू घोष की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आई फिल्म देवरानी जेठानी कहीं तो अपनी फिल्मों के क्षेत्र में और आगे तक जाएगी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से कहे तो इस फिल्म को बनाने में एक अच्छी खासी पैसा लगाया गया है, समय भी लगा है इस फिल्म को बनाने में, टाइम तो लगा है मेरे भाई, कोई भी फिल्म हो बनाने में टाइम तो लगती ही है। तो इस तरह इस फिल्म को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों टाइम तो लगा है, जी हाँ, और तब जाकर ये फाइनली जो फिल्म है बनाई गई है। दोस्त बता दूं कि ये जो फिल्म है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ननद, ननद भोजपुरी की अगर बात करें तो 2024 की सबसे हिट फिल्मों में इनकी गिनती की जा रही है। 23 में भी इन्होंने देवरानी जेठानी भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है, जी हाँ, ननद। दोस्तों ननद जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन भाई लोग होते हैं, गौरव झा, संजय पांडे जी, और उनकी तीन भौजाइयाँ भी होती है, बता दो। हाँ, उनके एक तरह से कहें तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके पिताजी, उनकी एक तरह से कहें तो अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में परिवार जो है वो धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट होता है। अब होता ये है कि उनके जो पिता हैं वो अपने सबसे छोटे बेटा जो हैं देवसी, बता दूं कि जो उनकी भौजाइयाँ होती है उनके अंदर लालच समाता है कि 15 लाख रुपए फ्री में आया है और फ्री में छोटा ले लेगा। उनके जो दो बड़े भाई होते हैं फ्रेंड संजय पांडे लोग, वो लोग अपने छोटे भाई को वो पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब होता है इसलिए वो पैसा वो लोग दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा ताना मारती रहती है, जी हाँ, और अपने मर्द को प्रेशर देती है कि वो पैसा, उनसे उनकी शादी जब तय होती है तो वो लोग पहले काफ़ी खुश होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि भाई 15-20 लाख खर्चा आएगा बहन की शादी में, इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो पैसा नहीं है।